भगवान की जय। मजार स्टेट और पार्क के डायरेक्शन से चल रही है गाड़ी। अरे उतर गए भगवान जी, भाग गया तो एक साइड चक्कर में दो। जय हो सरकार, ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे और वहां पर ध्वजारोहण करें जिसका था, और हमारे सभी विद्यार्थियों का स्वागत भी स्वीकार करो। खुली हुई है, जो बंधी नहीं है उस रस्सी को महाराज जी को पकड़ाना है, उनके कर कमरों से ध्वजारोहण होगा। हम आज सभी सौभाग्यशाली हैं और प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय महाराज जी द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान करेंगे। सभी लोग सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं, सभी लोग कृपया बैठ जाएं, सभी से आग्रह है कि बैठ। सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया बैठ जाएं, कृपया सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि महाराज जी अब सरस्वती जी की पूजा करेंगे।
और दीप प्रज्वलित करेंगे, तभी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। महाराज जी का दर्शन आपको आराम से होगा यदि आप बैठ जाएंगे। ये आप सभी जानते हैं कि खड़े रहने से आप सभी को दर्शन नहीं हो सकता। आप सभी जो कुर्सियां पड़ी हैं, कृपया उसमें विराजित हो जाएं, बैठ जाएं और महाराज जी मंच पर बैठेंगे। आप सभी वहां से महाराज जी का दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। यदि भीड़ में रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैदान में जो है तो मैदान में जाएं, लेकिन मंच से थोड़ा हट जाएं। मैं निवेदन करूंगा जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो अध्यापक साथी हैं, आदरणीय शानू शुक्ला जी और भी लोग, ये थोड़ा मंच से दूरी बन जाए। परम आदरणीय महाराज जी द्वारा माँ सरस्वती की पूजा की जा रही है। अब सरस्वती वंदना नीचे जाए सभी। आदरणीय महाराज जी ही केवल मंच पर रहेंगे, मंच की व्यवस्था आदरणीय महाराज जी और एसडीएम साहब रहेंगे, तहसीलदार साहब, बाकी सभी लोग रहेंगे। जिनका मैंने नाम लिया है, अभी छोटे छोटे आदरणीय महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं। आप लोगों ने बीच में भीड़ लगा रखी है जिससे बाधा पहुंच रही है उनको। मैं समझता हूं कि मंच के सामने की जगह भी खाली कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। इन विद्यार्थियों को अवसर कम ही मिलता है कि महाराज जी का दर्शन कर पाए, और वो ललायत है महाराज जी का दर्शन करने के लिए। परम पूज्य महाराज जी का आदरणीय महाराज जी से निवेदन करता हूं कि वह शुभाशीष स्वागत पहले स्वागत हो जाए। स्वागत के लिए सबसे पहले आंसर थोड़ा बोलेंगे आदरणीय महाराज जी के विषय में। आदरणीय महाराज जी का धन्य परिवार पूरा स्वागत करता है, और मुझे ध्यान है कि जब मैं शिक्षक था तो आदरणीय आचार्य जी पढ़ने आए करते थे, पढ़ने में उनकी बहुत लगन रहती थी, सबसे आगे वो पढ़ाई में रहते थे और हमेशा गुरुजनों का वो आदर करते थे और कुछ ना कुछ अपना करते रहते थे। आज वो इस ऊंचाइयों पे हैं कि मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, गदगद हो जाता है। जो भी देखता है कहता है कि आपके महाराज जी आज बहुत ऊंचाइयों पे हैं, देश विदेश में नाम का रोशन है, पूरे भारत वर्ष का नाम वो विदेशों में रोशन कर रहे हैं और हमारे गंगवासी कहने का नाम भी पूरा विदेशों में रोशन हो रहा है। मैं इन शब्दों के साथ आचार्य जी का बहुत नमन करते हुए और शुभकामनाएं दे दी कि आज वो हमारे बीच में जरा सी आग्रह पर वो आ गए हैं 15 अगस्त का ध्वज फहराने के लिए। मैं इन शब्दों से उनका बहुत माल्यार्पण के लिए मैं जी का स्वागत किया जाना है, तो उसके माल्यार्पण के लिए